जानवरों की गलत जगह पंगा लेनी और बाद में पछतावे कि अब तक हम कई वीडियो बना चुके हैं और उन सभी वीडियोस पर आप सभी का काफी अच्छा प्यार भी देखने को मिला और आप सभी लोगों की डिमांड पर ही हम एक बार इसका एक और पार्ट लेकर हाजिर है, जिसमें जानवर बेवजह चढ़ी सनक के चलते गलत दुश्मन और गलत जगह जाकर पंगा ले बैठते हैं, जिसके चलते उन्हें बाद में पछतावे के सिवा घंटा कुछ हाथ नहीं लगता है। अब जैसा कि आप सबसे पहले इस वीडियो में देख लीजिए, जहां पर काफी देर से घात लगाए बैठे एक शेर ने एक हाइना के ऊपर दौड़कर हमला किया। पर यहां पर जो ये शेर हाइना के ऊपर हमला करता है तो शुरुआत में हाइना दौड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर जब उसकी बात बनते हुए नहीं दिखाई देती है तो वह उल्टा शेर के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसके चलते शेर को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि आज उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है और इसी वजह से वो यहाँ से हाइना को जाने देता है और चुपचाप पीछे हटने में अपनी भलाई समझता है। इस वीडियो में एक शेरों का झुंड एक बफेलो को पकड़ के उसका शिकार कर लेता है और उसे मारकर खाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ देर बाद में केव बफेलो का पूरा झुंड आ जाता है और इन शेरों को यहाँ से भगाने लगता है। हालांकि शुरुआत में ये शेर भी उन बफेलोस को हेकड़ी दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर जब शेरों की एक भी नहीं चलती है तो शेरों को भी समझ में आ जाता है कि वो बफेलो इनकी बैंड बजा सकते हैं और इसी वजह से ये एक एक करके यहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन अपने सामने इतने सारे खतरनाक केव बफेलो होने के बावजूद भी एक शेर यहाँ से जाने की कतई कोशिश नहीं करता है और वहीं का वहीं पर बैठा रहता है, जिसके चलते शेर की मूर्खता की वजह से वो सभी केव बफेलो इसे चारों ओर से घेर लेते हैं और इसको भागने का एक भी मौका नहीं देते हैं। दोस्तों, भले ही शेरों का झुंड कितना भी ताकतवर हो, लेकिन ये एक पोर्क्यूपाइन के सामने हार मान ही लेते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख लीजिए, जहाँ पर काफी देर से एक शेरों का झुंड एक पोर्क्यूपाइन का पीछा कर रहा है ताकि मौका मिलते ही ये इस पोर्क्यूपाइन का शिकार कर ले। पर ये बात आप सभी भी अच्छे से जानते हैं कि पोर्क्यूपाइन के कांटे काफी लंबे और नुकीले होते हैं, जो कि किसी भी शेर को आसानी से नानी याद दिला सकते हैं। इसलिए ये सभी शेर इस पोर्क्यूपाइन के ऊपर हमला करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनमें से कोई इस पोर्क्यूपाइन को छू तक नहीं पाता है। इसी वजह से काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी आखिर में इन शेरों को केवल हार का ही मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही ये तेंदुआ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो बेचारा अकेला है और इसी वजह से ये पोर्क्यूपाइन का शिकार करना तो दूर बल्कि इसके पास तक नहीं जा रहा है और दूर से इस पोर्क्यूपाइन के ऊपर पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। अगले वीडियो में एक बिल्ली ईगल के पास में एक मछली देखती है, जिसकी वजह से वो बिल्ली तुरंत ही उसकी मछली को चुराने वहां पर आ जाती है। पर जो ही वो ईगल के पास में आती है तो उसकी बत्ती गुल हो जाती है और इसी वजह से वो मछली चुराने का इरादा छोड़ देती है और चुपचाप पीछे हट जाती है। यहाँ पर दो बकरियों से कुछ कुत्ते पंगा ले बैठते हैं और उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि ये कुत्ते बार बार बारी बारी से इन बकरियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर बेचारे कुत्तों की कोई भी मेहनत रंग नहीं लाती है, क्योंकि इनकी इतनी कोशिशें करने के बाद भी ये बकरियाँ इनसे नहीं डरती है और उल्टा इनके ऊपर ही हमला करते जाती है। दोस्तों, बकरे कितने ज्यादा हटी होते हैं वो तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जहाँ पर एक बकरा बिना बात ही अपना गुस्सा एक कार के ऊपर उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाई, इस बकरे को इस कार से ऐसी क्या दुश्मनी है, ये बात तो यही जानता है, लेकिन जो भी हो, इसका गुस्सा वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बिना रुके और बिना थके लगातार कार के बम्पर के ऊपर टक्कर मारते ही जा रहा है। वैसे दूसरे जानवरों से पंगा लेने में ये बकरा भी कुछ पीछे नहीं है, जो कि सीधा दौड़ता हुआ जाता है और उछलकर एक डोंकी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। इस बकरे की हरकत की वजह से वो डोंकी भी यही कह रहा होगा, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इस वीडियो में रात के अंधेरे में एक बाइसन के झुंड के ऊपर एक भेड़ियों का झुंड हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस बाइसन के झुंड में कई सारे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। पर जो भेड़ियों का झुंड बाइसन के झुंड के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो सभी बाइसन गुस्से में आ जाते हैं और उल्टा इन सभी भेड़ियों को यहाँ से दौड़ा देते हैं। यहाँ पर भेड़िये बेचारे आए तो थे शिकार के लिए, लेकिन बेचारों को उल्टे पाँव यहाँ से भागना पड़ गया।
इस वीडियो में एक ईगल ने पहले एक गिलहरी को पकड़ रखा है और उसे पंजों में दबोचकर उसको मारने में जुटा हुआ है, लेकिन बेचारे की आज शायद किस्मत ही बुरी थी और इसी वजह से इसके शिकार में दखल अंदाजी देने यहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और इसी वजह से बिल्ली की तरफ ध्यान बटने के चलते इस ईगल की पकड़ ढीली हो जाती है और वो गिलहरी यहाँ से बचकर भाग जाती है। इस ईगल के लिए तो ये कहावत सच हो गई कि हाथ आया पर मुंह न लगा। कुछ ऐसा ही इस वीडियो के अंदर भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर एक बॉबकैट का सामना एक हवोक से हो जाता है और इसलिए ये शुरुआत में इस हवोक के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करती है, लेकिन जब इसकी बात नहीं बनती है तो आखिर में ये भी समझ जाती है कि इसके लिए वो हवोक इतना आसान शिकार नहीं है और इसी वजह से वो भी यहाँ से जाने में अपनी भलाई समझती है। ये शेर चालाकी दिखाते हुए पहले घात लगाते हुए धीरे धीरे एक जेब्रा के झुंड की ओर बढ़ता है और फिर उनके काफी नजदीक जाकर दौड़कर उनके ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन जो ये जेब्रा के झुंड के ऊपर हमला करता है तो इसकी सारी की सारी चाल धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि सभी जेब्रा इसको चकमा देकर यहाँ से भाग निकलते हैं। ये शेर भी दौड़ता हुआ आता है क्योंकि इसे सामने एक कमजोर विल्डबीस्ट दिखाई देता है और इसी वजह से यह सोचता है कि यह उसका बड़ी आसानी से शिकार कर लेगा, पर जो ये उस विल्डबीस्ट के ऊपर हमला करता है तो इसकी चाल इसी के ऊपर उल्टी पड़ जाती है और वो विल्डबीस्ट यहाँ से भागने के बजाय उल्टा इसी के ऊपर हमला शुरू कर देता है, जिसके बाद तो आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि किस तरह शेर भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप पीछे हट जाता है। अगले वीडियो में दो भेड़ों के बीच पता नहीं किस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों लगातार एक दूसरे पर जोरदार टक्कर मारने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो कमजोर भेड़ होती है वो मात्र कुछ ही टक्कर खाने के बाद धड़ाम से नीचे गिर जाती है। पर यहाँ पर कमाल की बात ये होती है कि कुछ देर तक जमीन पर गिरने के बाद भी ये भेड़ नहीं रुकती है और फिर से उठकर सामने वाली भेड़ से दोबारा लड़ाई करने में जुट जाती है। यहाँ पर कई सारे कुत्ते मिलकर एक वाइल्ड बोर को घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर जो ये आगे बढ़ते हैं तो वो वाइल्ड बोर भी इनके ऊपर जवाबी हमला कर देता है और इसी वजह से ये एक दो बार प्रयास करने के बाद ही पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।